गवर्नमेंट ने आदेश दिया है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एटसेट्रा सब बंद रहेंगे ताकि COVID-19 की जो बीमारी है उसका स्प्रेड कम कर सके। ऐसे में स्टूडेंट्स के स्कूल्स बंद होने की वजह से उनको पूरा दिन घर पर बैठना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक टाइम टेबल जिसके चलते आप अपने फ्री टाइम को काम में लगा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास तो बहुत टाइम है, मैं पढ़ लूँगा बाद में, प्लीज़ ऐसी गलती मत करिएगा। कुछ स्टूडेंट्स 6 से 8 महीने ऐसे ही काट देते हैं जबकि उनका 20% सिलेबस भी कम्प्लीट ही नहीं होता है। आप एक्सपीरियंस स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए लास्ट मंथ्स में पूरी सिलेबस कम्प्लीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। Number 1. According to a study, humans need at least 7 to 9 hours of sleep to function at their best. तो आप 7 से 9 घंटे सोने के बाद सुबह सुबह पानी पी के 15 to 30 minutes के लिए योगा या फिर मेडिटेशन करिए। इससे आपका माइंडसेट सही रहेगा पूरे दिन के लिए। Number 2. Morning. Morning is the best time to read. Morning को माइंड फ्रेश रहता है, जो आप पढ़ते हैं वो आसानी से याद रहता है, तो आप सुबह 2 से 4 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी बात, सब्जेक्ट्स। तो कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े सुबह? मैथ्स 9, हिंदी 9, इंग्लिश 9। सुबह सुबह आप साइंस या फिर सोशल साइंस पढ़िए क्योंकि इन सब्जेक्ट्स में आपको बहुत कुछ याद करने के लिए होता है। इसके बाद आप 2 घंटे की ब्रेक ले सकते हैं, उस टाइम आप टीवी देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं और खाना खा सकते हैं। दिन के टाइम बढ़िया है मैथ्स करने के लिए, दिन में 3-4 घंटे मैथ्स कर सकते हैं आप, फिर आप ब्रेक ले सकते हैं 3-4 घंटे के लिए। रात का टाइम बेस्ट है लिटरेचर पढ़ने के लिए, हिंदी इंग्लिश जैसे लिटरेचर सब्जेक्ट्स आप रात को 2-4 घंटे पढ़ सकते हैं। और एक ज़रूरी बात, जिस टाइम आप पढ़ने बैठेंगे एक ही सब्जेक्ट्स एक ही बार में पढ़िएगा। हालांकि पढ़ाई के बीच बीच में छोटी छोटी 5 to 6 मिनट्स के ब्रेक लेना अच्छा होता है। मान लीजिए आज मंडे है तो सुबह आप साइंस, दिन में मैथ्स और रात को हिंदी पढ़ लीजिए। फिर ट्यूसडे को सुबह सोशल साइंस, दिन में मैथ्स और रात को इंग्लिश पढ़ सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ कंसीडर टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। लेट्स स्टे एट होम, बी सेफ, बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी ऑल द टाइम। अगर आप भी मेरा मनोबल बढ़ाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।